नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक और नई वैकेंसी जिसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी एक्सप्रेशन भाइयों के लिए स्पेशल बुकिंग की गई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा इस वैकेंसी के बारे में, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या सैलरी रहेगी, कितना फिजिकल होगा, क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो अपने तक सीमित न रखें, अपने साथियों को जरूर भेजें, जो पेंशन आ चुके हैं उनको भेजें या आने वाले हैं उनको भी भेजें, हो सकता है कि उनको जॉब की रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि 16 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है इसके लिए जो ये रैली होनी है ये 25 अक्टूबर, आप देख सकते हो, मैं इसको जूम कर देता हूँ, 25 अक्टूबर को होगी, जिसके लिए जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होनी है जो कि सर्वर स्टार्ट हो चुके हैं 11 सितंबर 2021 यानी 2021 से। साथ ही इसके लिए जो पोस्टें हैं वो ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्टें हैं, टोटल जो पोस्टें हैं 1200 पोस्टें हैं, टोटल 1200 पोस्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक्सेसमेंट के लिए कोटा है, साथ ही अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑनलाइन जाएंगे वहाँ पे आपको पेमेंट करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 200 रुपये है और साथ ही एक्सेप्ट जो पोस्ट एप्लीकेशन 100 रुपये जो दी गई है वो भी कैटेगरी अकॉर्डिंग दी गई है। साथ ही आप देख सकते हो एक्सप्रेशन जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, नो फीस, नो फीस चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंग टू शुरू तिब्बती फीमेल एंड एक्सेप्शन कैंडिडेट। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर कुछ स्टैटर टेस्ट होगा जिसमें फिजिकल स्टैटर टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंट टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा जिसके अंदर PHT पैट और रिटन टेस्ट होगा। और ये जॉब रहेगी आसाम राइफल के अंतर्गत रहेगी, जिसके अंतर्गत जो आप देख सकते हो ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर जो दी गई है वो 12th पास होना चाहिए। साथ ही जो फिजिकल होना है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि आपको 8.30 मिनट के अंदर निकालनी है। लद्दाख के रीजन है उनको मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी और जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में निकालनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग होगी जो कि 4 मिनट के अंदर पास करनी है। साथ ही क्लर्क और PA की वैकेंसी है, इसके अंतर्गत क्लर्क PA के भी स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा जिसके अंतर्गत 100 मार्क का पेपर होगा जिसमें 25-35 मार्क कंपलसरी हैं। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, NCC सर्टिफिकेट वालों कैंडिडेट के लिए जो छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, और NCC सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स दिए जाएंगे, NCC B सर्टिफिकेट 3 मार्क होंगे, NCA सर्टिफिकेट के 2 मार्क होंगे। साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा इसके अंतर्गत, मेडिकल एग्जाम भी होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पे स्केल जो अलाउंस हैं जो एज पर एप्लीकेबल होते हैं वो दिए जाएंगे। साथ ही ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट ट्रेड होगा, ब्रिज और रोड के लिए बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए इनिशियल रैंक होगा नायब सूबेदार, एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके लिए मैट्रिक और इसके समकक्ष, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ब्रिज और रोड बनाने का आना चाहिए, जिसमें 18 से 23 साल उम्र रहेगी, इसमें एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 23 साल। साथ ही दूसरा ट्रेड है इसके अंदर क्लर्क का, क्लर्क के लिए मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, इनिशियल रैंक इसमें हवलदार रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो इसमें 10+2 होगा और स्किल टेस्ट आपको नॉर्मल करना होगा, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए मिनिमम 35 वर्ड पर सेकेंड पर मिनट के हिसाब से, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। एज लिमिट 18 से 25 साल होना चाहिए
और जो आपके टाइम लिया जाएगा टेस्ट के लिए वो 10 मिनट होगा। इसके साथ ही दूसरा ट्रेड है पर्सनल असिस्टेंट का, यानी पीए का। अगर पीए की बात करते हैं, पीए ट्रेड के लिए बात करते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा इसमें वारंट ऑफिसर, एजुकेशन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी इसमें इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2। इसके लिए स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, और 80 वर्ड पर मिनट लिखना चाहिए। साथ ही ट्रांसक्शन यानी 50 मिनट के अंदर इंग्लिश में आपको 65 मिनट की स्पीड भी आनी चाहिए। उम्र होगी आपकी 18 से 25 साल। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर के लिए जो कि सिग्नल का होगा, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इनिशियल रैंक होगी इसमें राइफलमैन, एजुकेशन 10+2 होगी, 10th होगी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 18 से 23 साल की उम्र में। ट्रेड दूसरा है लाइनमैन, लाइनमैन फील्ड का। मेल कैंडिडेट होंगे इसके अंदर राइफलमैन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th रहेगी, 18 से 23 साल की उम्र रहेगी। दूसरा ट्रेड है इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक जो कि मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसमें ट्रेड रहेगा राइफलमैन आपका, इसमें 10th पास होना चाहिए। साथ ही आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड के हिसाब से आपने कोई डिप्लोमा किया हो। उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th रहेगा। साथ ही इसके अंतर्गत कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपने मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा किया होना चाहिए। उम्र रहेगी 18 से 23 साल। साथ ही आप देख सकते हो ये वैकेंसी जो दी गई हैं वो अलग अलग हैं। मैं आपको और बता देता हूँ किस स्टेट में कहाँ कहाँ क्या कितनी वैकेंसी हैं। इसमें कट ऑफ डेट रहेगी 18 से 23 साल रहेगी जो कि 1 अगस्त 2021 से काउंट होगी। यानी जो बच्चे 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 तक के बीच में जन्मे हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, सर्विंग आसाम राइफल पर्सनल के लिए जनरल OBC अप टू 40 साल रहेगा, सर्विंग आसाम राइफल पर्सनल SC ST के लिए 45 ईयर रहेगी, एक्सर्समैन UR अपॉर्चुनिटी 3 साल रहेगी आफ्टर डिक्लेरेशन मिलिट्री सर्विस। साथ ही एक्सर्समैन OBC के 6 साल रहेगी, 3+3 जितने भी आप उसने आर्मी में जॉब की है वो घटाने के बाद 6 साल का टाइम दिया जाएगा। एक्सर्समैन ST ST के लिए 8 साल टाइम दिया जाएगा, यानी जितनी सर्विस की है उसमें से 8 साल घटाने के बाद 10% वैकेंसी रिजर्व की गई है एक्सर्समैन के लिए। ये आप देख सकते हो प्रॉपर क्लियर लिखा हुआ है इसमें, 10% वैकेंसी रिजर्व है एक्सर्समैन के लिए। साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होना है वो उसमें क्लियर दिया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और हवलदार, एक्स असिस्टेंट, राइफलमैन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, सिग्नल्स, राइफलमैन सबके लिए जो टेस्ट दिया गया है इस प्रकार से होगा। फॉर कैंडिडेट ऑफ एक्सपेक्ट दोज मेंटेन बिलो, उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80-85 रहना चाहिए, मिनिमम हाइट 65 जो कि गोरखा कमाऊ लेह लद्दाख के एरिया के लोग हैं उनकी 165 और 78 और 83 होनी चाहिए। साथ ही मिनिमम हाइट कैंडिडेट की 65 और 76-81 होनी चाहिए। फिजिकल जो टेस्ट होना है PST उसमें इस प्रकार से रहेगा, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट मेंटेन्ड बिलो, मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157, चेस्ट 80 और 85। जो रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो जो कैंडिडेट हैं जैसे कि गढ़वाल कमाऊ हिमाचल उनके लिए 165 हाइट दी गई है और फीमेल के लिए 155। साथ ही जो फिजिकल टेस्ट होना PST वो इस प्रकार से होगा, इसमें ये जो 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 टेस्ट है ये जो जो छूट दी गई है वो अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग है, अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग है। दोस्तों इसमें कुछ ट्रेड और भी हैं जैसे कि व्हीकल मैकेनिक, आप होलसेलर सेल्टर, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर सबके लिए लगभग लगभग वही होगी, योग्यता मांगी गई है। सर्वेयर का है, इसके बाद फार्मासिस्ट भी है,
साथ ही एक्सेलेटर का असिस्टेंट है जिनके लिए वाला रैंक दिया जाएगा, उनका भी 12th पास होना चाहिए। ट्रेड है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट का, फीमेल स्टाफ सफाई के लिए चाहिए जिनकी 10th पास चाहिए, और उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल जो रैंक रहेगा वो राइफल वुमेन रहेगा। साथ ही ट्रेड बार्बर का भी है जो कि मेल कैंडिडेट रहेंगे। ट्रेड कुक का भी है, उसके बाद आपका मसालची है, मेल सफाई का है, इस तरह के इसमें ट्रेड दिए गए हैं। साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ कि किस स्टेट में किस हिसाब से है। स्टेट कैटेगरी बाय अलॉटमेंट दिया गया है वेकेंसी का, जो आसाम राइफल के अंतर्गत है। अंडमान निकोबार में हवलदार क्लर्क की टोटल 1 वैकेंसी जनरल कोटा के लिए है, ये आप पूरा नोट देख सकते हो। टोटल जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो दी गई है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ये आप देख सकते हो, टोटल 64 वैकेंसी हैं, इसमें अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की ये वैकेंसी पूरी देखो 41 वैकेंसी हैं, कंटिन्यू 10 पेज हैं, इससे थोड़ा वीडियो लंबी बन रही है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ बताऊँगा आपको तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आप देख सकते हो वैकेंसी अपने इसका नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग, आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप भर सकते हो इसमें फॉर्म। ये देख सकते हो वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके अंतर्गत आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ये आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर, सिक्किम के अंदर जो जो वैकेंसी दी गई हैं इस हिसाब से दी गई हैं। टोटल काफ़ी वैकेंसी है इसके अंदर में। दोस्तों अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी अपना लाना होगा, डिपार्टमेंटल से कैंडिडेट को एनओसी लाना ज़रूरी है, जो कि आपको एनओसी अपलोड करनी होगी अप्लाइंग ऑनलाइन में। दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वैकेंसी को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से उनको जॉब की जरूरत हो और उन्हें जॉब मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।